मिस्टर सर्जन। ओके मैडम, लेकिन मैडम आपको इसके लिए ना थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कहानियों पे, क्योंकि इसमें काफी गहराई है, काफी ट्रिकी कहानी है इसकी। नो प्रॉब्लम, आई एम ऑल हियर्स। यस, तो शुरू करते हैं मैडम। वाह, ये कहानी बहुत खूबसूरत है। एक लिखने वाले ने शेर से शुरुआत की है, गौर से सुनिए मैडम। देखो मेरी आंखों में, सब कुछ अच्छा लगेगा। जो भी मैं कहूंगा तुमसे वो सब सच्चा लगेगा। गौर से मेरी आंखों में देखो, बिना पल के झपकाए, बिना गर्दन हिलाए, बिना मुस्कुराए, डूब जाओ मेरी आंखों में। मेरी आंखों के बॉन्ड से बॉन्ड बना लो। आप मुझे सुन पा रही हैं मैडम? Yes. मेरी आंखें, मेरे बाल, मेरी हरकतें, सबसे आपको बेहद प्यार है। मुझे देखते ही आप मेरी तरफ खिंची चली आती हैं और ठंडी ठंडी आहें भरती हैं। बहुत बहुत पसंद करती हैं। बड़े लोग गरीबों के ऑफिस में क्या लेगा क्या लेगा, बोल चाय कॉफी ठंडा क्या मंगाऊं? तू किताब दे दे भाई, मकान मालिक की बीवी आ रही है, उसको हिप्नोटाइज करना पड़ेगा बे। अबे साले, तूने मकान मालिक को ये बोला था ना कि तू उसका साला है, तो उसकी बीवी को क्या तू अपनी बहन बनाएगा? अरे पागल है क्या यार, ये तो हिप्नोसिस विद्या का अपमान होगा। मालकिन को तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, वो अब भी दिल ही दिल में मुझसे प्यार करती है और अपना पछतावा छुपाने के लिए अपने घर में रहने देती है, वो भी मुफ्त फ्री ऑफ कास्ट। हाँ लेना यार, तेरी तो है, ये ले ये रख। कश्मीरा पर मैं कल आजमाऊंगा, आज के लिए मैडम ही काफी है। क्यों, आज ये शर्ट पहनी थी? हाँ सूंघ लो इत्मीनान से सूंघ लो। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरी बीवी हो कि बिल्ली हो। बिल्ली होती ना तो कम से कम मुझे पुचकारते तो सही। पुचकारने का ना कोई टाइम होता है कश्मीरा, ऐसे थोड़ी ना हर टाइम पे आदमी पुचकारता रहे, बिल्ली फिर पंजा भी मार देती है। अच्छा तो अभी ये मन ही मन में क्यों मुस्कुरा रहे थे? सच सच बताओ, किसके बारे में सोच रहे थे? अपनी किस्मत के बारे में सोच रहा हूँ कि कितनी छोटी सोच वाली बीवी भगवान को मेरे ही पल्ले बांधनी थी। ओ, मेरी छोटी सोच, और जिसे तुम्हारी तो बहुत बड़ी सोच है ना? मेरी बहुत बड़ी सोच है, मैं बहुत बड़ी सोच वाला इंसान हूँ, मेरा बहुत बड़ा दिल है। अच्छा मुझे यहाँ बिल्ली बोल रहे हो और खुद ऑफिस में भीगी बिल्ली की तरह घूमते रहते हो मैडम के सामने? मैं एक फोन आ रहा है, वरना एक एक सवाल का जवाब देता मैं अच्छे से। अरे जाओ यार, बढ़िया है। तकिया उठा लेना, पीछा गिर गया। हेलो मैडम। दोबारा बोलिए मिस्टर सर्जन। क्या मैडम? मैडम दोबारा बोलिए मिस्टर सर्जन। इट्स लाइक म्यूजिक टू माय इयर्स। इसका मतलब अभी तक मैडम पर सम्मोहन का प्रभाव है। मैडम उफ, मिस्टर सर्जन क्या खनक है आपकी आवाज में, क्या पैशन है। अगर मैं आपसे बात नहीं करती मिस्टर सर्जन तो मुझे नींद नहीं आती। क्या बात है मैडम, आज तक तो आप मुझे खरी खोटी सुनाती थी, आज आप मुझे सुनना चाहती हैं? यस मिस्टर सर्जन, यस यस यस, मैं आपको सुनना चाहती हूँ। बस बस मैडम बस, एक बार और यस मत बोलिएगा वरना मुझे नो बोलना पड़ जाएगा। Let's take it slow. Okay, Mr. Sajan. लेकिन please एक बार आप मुझे good night and sweet dreams wish कर दीजिए ना। एक बार मैडम, एक बार बोलिए, एक शब्द को सिर्फ एक बार बोलिए मैडम। और ना बड़ा अजीब सा लगता है मुझे, एक सिहरन सी पैदा हो जाती है अंदर। जब तक आप विश नहीं करेंगे मुझे नींद नहीं आएगी।
नींद तो मुझे नहीं आएगी मैडम। खैर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू सो मच। एक बार एक बार एक बार मैं समझ में नहीं आती है क्या? रॉन्ग नंबर है, चल रहा फोन। That's rough, Mr. Sergeant. That's interesting. I'll have a good sleep now. क्या है? चवन्नी जी है, बंद हो गई। किससे बात कर रहे थे? अपने आप से। अपने अतीत को फोन किया था मैंने। उससे पूछ रहा था कि साजन तूने शादी क्यों की? बात को मत घुमाओ। घूम तो मेरा सिर रहा है कश्मीरा। क्या यार तुम पिछले जन्म में जासूस थी क्या? तुम हर बात पे शक करती रहती हो। और तो कुछ करने नहीं देते हो तुम मुझे। अच्छा, इसमें भी मेरी गलती है। हाँ तो चलो फिर एक गलती और करता हूँ। चलो अंदर। हाँ चलो चलो, चलो। ये क्या कर रही है मैडम? आप लिफ्ट क्यों रोक दी मैडम? ऊपर कैसे जाएंगे हम? ऊपर ऊपर की बातें बहुत हो गई मिस्टर साजन, अब बातों की गहराई में जाने का वक्त आ गया है। I don't wanna go up, Mr. Sajan. I wanna go deep. नहीं, मैं समझ गया मैडम, लेकिन अगर ऊपर नहीं जाएंगे तो काम कैसे करेंगे हम? उफ मिस्टर साजन, हर वक्त काम काम काम। मेरे साथ वक्त गुजारिए ना, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद मी। नहीं नहीं, वो तो मैं फिर जो भी काम करता हूँ मैं बहुत क्वालिटी का करता हूँ, लेकिन मैडम इस वक्त ऊपर जाना बहुत जरूरी है, नौकरी का सवाल है ना। बहुत सारे लोग बाहर लिफ्ट के वेट भी कर रहे हैं, उनकी भी नौकरी का सवाल है मैडम, क्या सोचेंगे? की बातें करते हैं आप मिस्टर सर्जन। अरे क्यों हो गया छेदी, कैसे भीड़ से लगा रखी तुमने? लिफ्ट अपने निर्धारित समय से 20 मिनट देरी से चल रही है, दूसरी लिफ्ट खराब है, इसलिए यात्रियों की भीड़ इकट्ठा हो। तो भाई लिफ्ट मैन कित मर गया, कित अंडे दे रहा है वो? सर हर कोई आदमी आपके और मेरी तरह मेहनत का शौक कर्मठ नहीं होता ना। थैंक यू जी। अब देखिए कब से हम जो है चाय लेके खड़े हैं और चाय शरबत हो गई है। अरे तो क्यों हो गया छेदी, ला मन्ना पिला दे। अरे वो सर, ये क्या किया आपने? ये साजन जी की चाय थी और साजन जी का आने का टाइम हो गया है। अरे यार क्यों नाराज हो रहा है तू, जी जा के लिए दूसरी चाय बना दी है। अरे दूसरी नहीं सर, ये स्पेशल चाय थी, हम साजन जी के लिए स्पेशल चाय बनाते हैं। ये बात है छेदी, साजन के लिए स्पेशल चाय, थारे के दिमाग लग रहा है वो। सर जरा ट्रे पकड़िए फिर बताते हैं आपको कि क्या लग रहे हैं वो हमारे। लाओ। मिस्टर भूपेश, आप ये आप मिस्टर साजन के बारे में क्या कह रहे थे कि दामाद है तेरा? सर जी मैंने तो यो बोला ही नहीं, मैं तो यो बोल रहा था कि वो दामाद है मेरा। मेरा कहने का मतलब ये हो कि दामाद है हमारे घर का साजन अग्रवाल। मिस्टर भूपेश आपको पता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज और मजाक के टाइप का इंसान हूँ, और जहां तक मेरी बेटी का सवाल है, मतलब मेरी बेटी आप जानते हैं ना, माई डॉटर जी, वो मुझे बहुत अजीज है। समझ गया सर जी। हाँ, इसलिए मैं कह रहा था आपसे कि अगर आप समझ गए हैं तो उस चीज को इतना ज्यादा। अरे अरे भाई तुम यहाँ हो तो लिफ्ट में कौन है? आपकी बेटी। व्हाट, मतलब संजना लिफ्ट में फंसी हुई है? नहीं, फंसे तो साजन जी उनके साथ में है। अरे यूके बोल रहा तू, मैडम और जीजा दोनों लिफ्ट में, वो भी एक साथ। अरे बावली पूछ, निकालता क्यों नहीं उन्हें? अरे मैं उनको कैसे निकालता, वो अपनी मर्जी से फंसे हुए है। What nonsense! क्या हो रहा है? Why you guys are staring at me? जाइए अपना काम कीजिए, क्या घूर रहे हैं आप लोग? Go! संजना तुम ठीक हो ना? Are you all right? Of course पापा, I'm more than all right. Technically तो मैं सिर्फ 10 floors ऊपर आई हूँ, but I feel like I'm on the top of the world. Why? Well, Mr. Sajan, where are you? आइए Mr. Sajan, गौरव शर्मा क्यों रहे Mr. Sajan? बाहर आइए। नहीं नहीं मैडम, मैं अंदर ही ठीक हूँ, मैं वापस नीचे जाना चाहता हूँ। Mr. Sajan, बाहर आइए, and yes,
एक घंटे के बाद मेरे केबिन में आ जाइएगा. I want to spend some more quality time with you. पहना हुआ है आपने? पहना हुआ? Yes, yes. What is this? What is this? क्या है ये सब? क्या है? मैडम भी ना बिल्कुल हील्स वाली सैंडल्स पहन के लिफ्ट में आती हैं. लिफ्ट जाते जाते अचानक से रुक गई खड़बड़ा के, तो झटके से लड़खड़ा के मैडम एकदम मेरे ऊपर गिर गई. तो उनके होंठ मेरे गाल से हल्के से टकरा गए. कई बार गिरी हैं. लड़खड़ा गई. मिस्टर साथ लड़खड़ा तो आप रहे हैं, मैं देख रहा हूं. आई एम वॉचिंग एवरीथिंग. घर तक मुंह मत ना धोइए. जूली टिश्यू देना. साजन मेरे भाई क्या हो रहा है? मक्कारी हो रहे कवि ने? यार मेरी किताब का असली इस्तेमाल तो बेटा तू कर रहा है. चारों पे नचा रहा है कमीने. अबे नाच तो मैं रहा हूं, वो भी बिन मदारी के बंदर की तरह. हालत खराब हो गई है यार यहाँ पर. मैडम ना भरे हुए बादल की तरह टूट पड़ी है मुझ पर. क्यों तुझे भीगने में मजा नहीं आ रहा? अबे नौकरी चली जाएगी मेरी. मैडम को डीहिप्नोटाइज करना पड़ेगा, नॉर्मल करना पड़ेगा मैडम को. ला दे, देख किताब, किताब दे, किताब दे, किताब दे. वो किताब के ना क्या हुआ ना साजन के, वो किताब. इतना क्या सोच रहा है यार, मैं किताब मांग रहा हूँ, कोई किताब नहीं मांग रहा हूँ तुझसे. साजन क्या हुआ ना, कल शीला का फोन आया था यार. कौन शीला? अच्छा जिसे तू पिक्चर दिखाने ले गया था वो. तो क्या है ना कि उसकी 8 साल की भांजी है, वो शहर आई हुई. यार उसने चिड़ियाघर नहीं देखा यार. तो मैं क्या करूँ यार, खिलौनी नहीं मैं क्या करूँ, उसने चिड़ियाघर नहीं देखा था. उसकी भांजी का किताब से क्या लेना देना है? तू क्या हिप्नोटाइज होके आया क्या तू? अरे नहीं यार ऐसी बात नहीं है. वहां एक गोरिल्ला है ना चिड़ियाघर में, तो वो कमबख्त हमारी तरफ देख ही नहीं रहा था यार. और शीला की जो भांजी है ना, उसको गोरिल्ला के साथ सेल्फी निकालनी थी,